मॉर्निंग, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी अच्छे हैं। आज है संडे, संडे मॉर्निंग आप देख रहे हो। संडे मॉर्निंग मेरी स्टार्ट हो चुकी है और अभी 9 बजने वाले हैं, 8:30 हो गए। पूजा अंकित जी ने कर लिया है नहाकर, आप देख सकते हो पूजा हो गई है। मेरा तो बस अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने, और खाना सॉरी ब्रेकफास्ट बनाने। और आज तो संडे है तो कुछ लाइट ही बनाऊंगी, पर पहली रोटी जो श्राद्ध में हम करते हैं, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया, अभी एक रोटी बस मैं बनाऊंगी जो गाय को खिलाने के लिए अंकित जी ले जाएंगे। अभी उनको जाना भी है शायद, बाहर बोल रहे थे, तो वो रोटी बनाकर फिर हम अपना ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं मैं क्या बनाऊं सोच रही हूँ। और संडे लाइट ब्रेकफास्ट में मेरा ना कुछ समझ नहीं आता है, ज्यादातर मेरा पोहा बन जाता है, तो मे भी आज पोहा फिर से बन जाए मेरे यहाँ। तो चलिए देखती हूँ, मैं पूछती हूँ अंकित जी से क्या खाएंगे। उपमा की सोची थी पर उपमा उनको ज्यादा पसंद नहीं है, तो देखते हैं। सो गाइस, ये देखिए किचन में आकर मेरा चॉपिंग का काम चालू हो गया है, क्योंकि हमने डिसाइड कर दिया क्या बनाना है ब्रेकफास्ट में, तो बस चॉपिंग उसी के लिए कर रही हूँ। सो गाइस, फाइनली मुझे पोहा बनाना पड़ रहा है और मैं पोहा बना रही हूँ। इतना फाइनल करने के बाद आंटी जी को उपमा नहीं खाना था, तो उपमा नहीं खाना था, तो फिर से संडे अगेन मेरा पोहा में ब्रेकफास्ट में पोहा बन गया है। तो चलिए मैं पोहा रेडी कर रही हूँ, अब ऊपर लेकर जा रही हूँ प्लेट, क्योंकि आज संडे है तो हम आराम से ऊपर जाकर नाश्ता करते हैं। तो बस प्लेट रेडी करती हूँ और फिर नाश्ता कर मिलती हूँ। लंबे कैसे हो गए आपके बाल? मेरे मेरे आईया के बाल होते हैं ना, हाँ, पुड़िया बाल। अरे ये बाल कमजोर थे क्या? हाँ, अच्छा ऑयल लगाया नहीं आपने, टूट रहा है। तो अच्छा ऑयल लगाना चाहिए था ना आपको। आईज बंद कर लो गाइस। लो बंद कर लिए, खोल लो। ओ वाओ, तो पीहू के बाल तो लंबे हो गए है ना। अब पीहू क्या करने वाली है? मैं खेलूंगी। आज संडे है ना, क्योंकि और आज हम कहाँ जाएंगे? गुरुद्वारे। यस, पीयू कितने दिनों बाद जाएगी ना। हाँ, मास्क लगा के जाओगे पर। गाइस, मैंने सारा काम निपटाया और फाइनली नहाना वहाना हो गया है मेरा और पीहू का, दोनों ही नहा लिए। और आज अंकित जी, संडे है तो आज अंकित जी घर पर नहीं है, तो मैंने राजमा बनाया था, तो बस राजमा जो है गरम कर रही हूँ मैं, और चावल मेरा रेडी हो गया है। तो हम खाने वाले हैं राजमा चावल, और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये जो है कल मैंने मंगवाया है, इसे लाई बोला जाता है, और मेरे साइड में मायके साइड में मुर्रा बोलते हैं, मूढ़ी बोलते हैं। तो जो भी है इसका मैं बनाने वाली हूँ मिक्सचर, क्योंकि कुछ टाइम पास के लिए कभी कभी लगता है ना कुछ बना ले, तो फल्ली वगैरह डालकर, नमकीन वगैरह डालकर इसे मिक्सचर बनाने वाली हूँ, तो मैंने इसलिए मंगाया है। और पीयू का कुछ कुछ आइटम है वो अंकित जी ने लाया था, तो अभी मैं उसको रखूंगी, तो बस यही सब चीज करना है। और बस अभी हम खा ले रहे हैं, आज माँ बेटी दोनों खाएंगे। अंकित जी गए हैं आज अपने घर पे, क्योंकि हमारा जो सिलेंडर वगैरह है और जो भी डॉक्यूमेंट है, हमारा खुद का जो घर है, अपना ओन हाउस जो है, वहाँ का ही एड्रेस सारा जगह मतलब हमने प्रोवाइड करवाया जो भी आधार कार्ड में, तो अपना घर है तो वहीं पे सारी चीज आती, तो सिलेंडर और हमारा बुक कर रहे थे तो वो आया हुआ है, तो अंकित जी लेने गए हैं उसे, और फिर गए हैं तो बोले मैं खा के ही आऊंगा वहां, तो मैंने बोला ठीक है आज हम दोनों राजमा चावल खा लेंगे, और अंकित जी शाम को आएंगे तो फिर शाम को हम साथ में खाएंगे आज संडे को। तो चलिए हम खाना खा लेते हैं, राजमा चावल गर्मा गर्म राजमा चावल। बस पीहू को बुलाती हूँ मैं ऊपर से और फिर मिलती हूँ, क्योंकि आज गुरुद्वारे भी जाना है, तो बड़े एक्साइटेड है हम लोग कि फाइनली इतने दिनों बाद जाएंगे। और एक चीज और दिखाऊंगी मैं आपको, मुझे रक्षाबंधन में एक ड्रेस मेरे भाई की तरफ से गिफ्ट मिला था, आज वही ड्रेस निकालूंगी, ऐसे पहनने को बिल्कुल नहीं होता था, बिल्कुल भी नहीं, तो फाइनली आज हम बाहर जा रहे थे, मैंने बोला निकालती हूँ। सो गाइस, हम खाना वाना खाकर ऊपर आ गए, और ऊपर आने के बाद मैंने बोला चलो मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ। ये जो टॉप है ये देखिए, ये ब्लैक कलर का टॉप है ये, और मुझे इसके स्लीव्स के कारण मुझे ये टॉप पसंद आया था, ये देखिए इस टाइप का स्लीव्स है इसका, पहनने पे लुक आएगा ये, और अच्छा बेल स्लीव्स है इस टाइप से,
तो मुझे ये स्लीव्स के कारण बहुत पसंद आया था, तो मैंने ये वाला टॉप लिया। चूज मैंने ही किया है, भाई ने दिलाया है, चूज मैंने किया है अपने पसंद का। तो ये टॉप है और ये रहा जीन्स। इस कलर में मेरे पास जीन्स नहीं था तो मुझे ये कलर ग्रे शेड में चाहिए था। तो और ये देखिए जो नीचे है इस टाइप का डिजाइन है इसमें, और ये साइड में भी आप देख सकते हो यहाँ हाई वेस्ट है और साइड में भी इस टाइप का डिजाइन है दोनों साइड से। तो मुझे ये जीन्स भी बहुत पसंद आया था, तो दोनों ही चीज मेरे पसंद का है, दिलाया भाई ने है, तो बस आज शाम को ये पहनने वाली हूँ मैं। और बहुत दिनों बाद निकलेंगे और सारे कपड़े अभी जो भी ले रहे हैं ना सब घर पे ही रखा रहे हैं, कोई कुछ मतलब कि हम ऐसा नहीं हो रहा है कि पहन के कहीं जाए घूमे फिरे कुछ, ये सब तो बंद हो गया। और ये साल मुझे लगता है 2020 ऐसे ही जाएगा घर पे ही बैठकर। तो बस आज निकल रहे हैं तो मैंने बोला चलो आज इस ड्रेस को मैं पहनती हूँ और इसे ही पहनकर जाऊंगी। तो कैसा लगा ड्रेस मेरा जरूर बताना आप। और बाकी मैं जब शाम को तैयार होंगी रेडी होंगी तो कंप्लीट लुक दिखाऊंगी पहनकर कैसी लग रही हूँ मैं, तो तब आपको और अच्छे से पता चलेगा कि कैसा लग रहा है मेरे ऊपर ये जीन्स और ये टॉप। तो चलिए अभी तो रेस्ट करते हैं थोड़ा देर। और तो गाइस हम हो गए हैं रेडी और 7 बजने वाले हैं। पीहू रेडी होकर खेलने निकल गई और बिल्कुल नहीं सुनती है, कितना भी बोले कि गुरुद्वारे जा रहे हैं नहीं मत जाओ फिर भी खेलने निकल गई है। तो उसे रेडी करके मैंने भेज दिया था। और ये देखिए ये वाला मैंने टॉप पहन लिया है और बहुत अच्छा लग रहा है, फिटिंग वगैरह बहुत अच्छी आई है। नीचे देखिए पीहू ने पूरी टॉय नीचे फेंका हुआ है। और ये देखिए जीन्स और टॉप, और गुरुद्वारे चल के देखते हैं, फुल लुक दिखाऊंगी मैं। अभी लेट हो रहे हैं, बहुत गर्मी है, स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो चलिए जल्दी जल्दी निकलते हैं। और मुझे लग रहा है करके पहले मैंने सोचा था बाल खुला करूं, बट लगता नहीं है खुला कर पाऊंगी, पौनी करना पड़ेगा। वैसे भी वहां सर पे तो दुपट्टा डालना पड़ेगा, तो चलिए पौनी कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ। हमने जो है लंगर भी खाया, ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो हमने लंगर भी खा लिया और बहुत टेस्टी लगा लंगर, है ना? बहुत दिनों बाद खाए हैं तो हाँ। और देखो हमारी अभी मास्क, आप क्या खाए हो? मैं खाई
कढ़ी, रोटी और कढ़ी, कढ़ी और रोटी और कढ़ी, वो भी थोड़ा सा खाइए, है ना? तो थोड़ा सा ही खाइए, गर्मी बहुत है। कहाँ पीहू? पीहू बोल रही है पार्क जाने के लिए, अंदर थोड़ा देर बैठते हैं। सो गाइस, हम थोड़ा सा बैठे हुए हैं और पीहू को देखिए, पीहू को मजा आ रहा है ना? मजा आ गया। हाँ मजा आ गया। ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऐसे बैठो ना, ऐसे बैठो, बैठ जाओ। काऊ के लिए रोटी नहीं लाया ना? ओ, काऊ का रोटी, काऊ का रोटी रह गया घर में, काऊ को रोटी खिलाना था ना। चलो कोई नहीं, अभी घर जाके डॉगी हाँ ठीक है, आप ही चलो नीचे आ जा। कैसा पीयू? अच्छा लगा? जंप करो, जंप करो, बैठ के उतरो, बैठ के उतरो, बैठ के उतरो, हाँ उतर जाओ, आओ। सो गाइस, लॉकडाउन के बाद फाइनली हम गुरुद्वारे आए और बहुत अच्छा लगा सही में। ऐसा लग रहा था ना कि कब जा पाएंगे, और इतने महीनों बाद हम गुरुद्वारे आए, एंजॉय किए। क्या खाना है? आइसक्रीम। तो चलिए आइसक्रीम खाते हैं, है ना? पर आज आप खाओगे जंक फूड? और ज्यादा खाने से जंक फूड क्या होता है? मोटे, मोटे, मोटे। So guys, अब हम चलते हैं घर। हमारा अब पीहू भी है, जिद कर रही है आइसक्रीम खाने का, तो बस अब निकलते हैं। पीहू देखिए आगे आगे भाग गई है। चलो चलो। किसको मार पड़ गई? हाँ? जो ट्रक को ऐसे इसके डेकोरेशन फाड़ रहा था ना, बदमाश बच्चे को ना, उसके मम्मी पापा मारे। हाँ तो चलो अब हम चल रहे हैं। चलो। हमारा यहाँ ये देखिए, यहाँ फोटो सेशन हो गया थोड़ा सा, और पीहू निकल गई आगे, अंकित जी भी निकल गए आगे। तो चलिए चलते हैं अब। अच्छे से बैठ के लगा लो उसको अच्छे से। तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं घर, और उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ आगरा का गुरुद्वारे घूमकर काफ़ी इन्जॉय किए होंगे। तो आप घर बैठे बैठे गुरुद्वारे घूम लिए मेरे साथ, कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर कमेंट कर बताना। और कभी आए तो, जब कभी भी, तो ये गुरुद्वारे ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो गाइस, फाइनली हम घर आ गए। घर आने के टाइम में थोड़ी मोड़ी शॉपिंग जो करनी थी, थोड़ा सा सब्जी वेजिटेबल्स वगैरह लेना था, वो लेते हुए आए। आइसक्रीम पीहू को खिलाए, उसको आइसक्रीम खाना था तो आइसक्रीम खिलाए, और बस आ गए हैं हम। और पीहू और अंकित जी चले गए ऊपर, तो बस मैं भी जाने वाली हूँ ऊपर। और मैंने बोला वीडियो एंड कर दूँ, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, और जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करना। तो चलिए बाय।